तो हाय गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, अगर आप बेसिक क्रिएटर हो, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपने यूट्यूब चैनल को जीरो से स्टार्टिंग करके बूस्ट कैसे कर सकते हो। ये ट्रिक जो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर 110% अगर फॉलो कर लेते हो, ए टू जेड अगर फॉलो कर लेते हो, देन आपके जो चैनल का जो वीडियो का व्यूज़ है वो 110% जरूर से जरूर आनी है। इंप्रेशंस आएगी तो आपके वीडियो का जो व्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, आपका जो चैनल है वो ग्रोथिंग की ओर जाएगा। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि मैं इसी वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरी इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को जीरो से स्टार्टिंग करके ग्रो कर पाओगे। मैंने भी किया जैसे, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर हेल्पफुल कंटेंट और बहुत सारे YouTube टिप्स से रिलेटेड, अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप अपने YouTube चैनल को स्टार्टिंग करो, तो आप स्टार्टिंग करोगे तो कोई बंदा स्टार्टिंग करता है तो वो 1000 सब्सक्राइबर या फिर 2000 सब्सक्राइबर से तो स्टार्टिंग नहीं करता। वो जो भी बंदा स्टार्टिंग करता है, जो भी बिगिनर क्रिएटर्स को अभी आप देखते हो, उन्होंने भी जीरो से स्टार्टिंग किया था अपने यूट्यूब चैनल को और ये अभी जीरो से अभी हीरो बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, जब आप स्टार्टिंग करो अपने यूट्यूब चैनल पर, तो अब आपको अपने अंदर में देखना कि कौन से कैटेगरी से मैं वीडियो को क्रिएट कर पाऊंगा, किस में मेरा टैलेंट है। ठीक है, अगर आप टैग कैटेगरी में टैलेंट रखते हो, टैग कैटेगरी में आपका अगर टैलेंटेड हो आप, तो टैग कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो को क्रिएट करो। अगर कॉमेडियन से रिलेटेड अगर कोई एक्टिंग करना चाहते हैं तो कॉमेडी से रिलेटेड आप वीडियो क्रिएट करो, आशीष चंचलानी जैसा। देन आपको क्या करनी है, जब आप एक कैटेगरी चॉइस कर लेते हो, कैटेगरी वाइज अपने वीडियो को अपलोड करते हो, देन आपको क्या करोगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके अनुसार मैं बताता हूँ। 10 वीडियो अपलोड कर लोगे, 20 वीडियो अपलोड कर लोगे, देन अपने YouTube चैनल को छोड़ दोगे, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि आपके चैनल पर व्यूज ना ही आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, जाहिर सी बात है। तो आपको ये सब कुछ नहीं करनी है। जब आप जीरो से स्टार्टिंग करो ना अपने YouTube चैनल को, तो अब आपको रेगुलरली वीडियो अपलोड करनी है। रेगुलरली मतलब क्या, 10 दिन 20 दिन वीडियो अपलोड किया एंड छोड़ दिया, इस टाइप का नहीं। आपको रेगुलरली वीडियो अपलोड करते जानी है। 20 वीडियो पे नहीं होता अगर चैनल ग्रो, 30 वीडियो में नहीं होता, 3000 वीडियो में होगा ना, जब तक जिंदगी तब तक वीडियो अपलोड करते रहो। देन आपका अगर एक वीडियो अगर वायरल हो जाता है तुक्के में, देन आपके जो चैनल का वीडियो का जो व्यूज है ना, ऑटोमेटिकली वायरल होना स्टार्टिंग हो जाएगा आपके वीडियो, देन आपका जो चैनल है वो ग्रोथिंग में जाने लगेगा। देखिए मेरे चैनल पर अभी चेक करके देख लीजिए, रिसेंट में अभी जो मेरी वीडियो वायरल हुई है वो उन वीडियो पे अभी करीबन 6 लाख के 5 लाख के करीबन व्यूज आई है। तो देन उसी के कारण मेरा जो चैनल है वो ग्रोथिंग हुआ है एंड अभी मेरे चैनल पर 11000 के करीबन करंट सब्सक्राइबर मौजूद है। तो अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, तो आपको कुछ नहीं करनी, आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करते जानी है। अगर रेगुलरली आप अपने वीडियो को अपलोड करते जाते हो, देन कोई ना कोई वीडियो आपकी एक ना एक दिन जरूर से जरूर वायरल होगी। देन जिस दिन वायरल होगी ना, उस दिन आपके चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ जानकारी। अगर ये छोटी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब।